हेलो दोस्तों, मेरा नाम है जमन और आप देख रहे हैं टेकी जमन यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, कई सारे फेसबुक यूजर्स के साथ ये प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है कि जब वो अपने फेसबुक पर लॉगिन करते हैं तो इस तरह के एक एरर मैसेज शो करता है, यू कैन नॉट लॉग इन फेसबुक एट द मोमेंट, जैसा आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। तो देखिए, सबसे पहले जानते कि ये होता क्यों है और इसका सोल्यूशन क्या, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। तो मैं आपको बता दूं, देखिए, अगर आप अपने फेसबुक प्रोफाइल पर अगर किसी भी तरह का वायलेंस करते हैं या कोई ऐसा आपने पोस्ट किया हो जिससे लोगों ने हेट किया हो, तो लोग क्या करते उस पोस्ट पर रिपोर्ट कर देते, आपके प्रोफाइल पर रिपोर्ट कर देते, जिसके कारण ये ऐसा प्रॉब्लम होता है। दूसरी रीज़न ये है, हो सकता है कि आप किसी भी तरह का VPN यूज़ करते हो, ठीक है ना, VPN यूज़ करते हो या लोकेशन चेंज करते हो। यह भी हो सकता है कि आपने अपना प्रोफाइल पर अपनी रियल DP नहीं रखी हो, ये भी सारी प्रॉब्लम होती है। या कभी कभी ऐसा होता है कि आप बहुत ही टर्म्स एंड कंडीशन से फेसबुक यूज़ कर रहे हैं, आपके फेसबुक प्रोफाइल पर आपका रियल पिक भी है, आप पूरी टर्म्स एंड कंडीशन को फॉलो कर रहे हैं, लेकिन बिना कारण के बेवजह अगर आपके ID के साथ ऐसा होता है तो आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। तो सबसे पहले आपसे एक छोटा सा गुजारिश, अगर आप हमारे चैनल में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हमारे चैनल के हर लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। टेक की बात टेक की जमन के साथ। दोस्तों, ये प्रोसेस करने से पहले आपको एक जरूरी बात का ख्याल रखना है कि जब आप अपने फेसबुक पर लॉगिन करते हैं तो वहां पर दो ऑप्शन पहले आता होगा। एक पहला ऑप्शन आता है कि आप अपना फोटो अपलोड कीजिए, सेल्फ फोटो खींच कर अपलोड कीजिए, या दूसरा ऑप्शन आता होगा कि आप अपनी आइडेंटिटी प्रूफ अपलोड करो। जैसे आप अपनी फोटो या आइडेंटिटी प्रूफ अपलोड करते हैं उसके ठीक सेकंड बाद आपको ये दो एरर मैसेज फिर आ जाता है, यू कैन नॉट यूज फेसबुक एट द मोमेंट, यू कैन नॉट लॉग इन फेसबुक एट द मोमेंट। ये दोनों में से एक ऑप्शन आपको आता है, जिस तरह से आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो देखिए, एक चीज का आपको ख्याल ये रखना है कि आपको किसी भी तरह का VPN का इस्तेमाल नहीं करना है, ना ही फोन और ना ही PC में, ठीक है। बहुत ही केयरफुल इस वीडियो को देखिएगा कि किस तरह से इस प्रॉब्लम का छुटकारा आप पा सकते हैं। और याद रखिए, जब आप अपनी फोटो या आइडेंटिटी प्रूफ देते हैं तो इस तरह का ऑप्शन तो शो करता ही है, यू कैन नॉट फेसबुक एट द मोमेंट। उसके ठीक बाद या 48 आवर्स बाद या 7 दिन के बाद आपका अकाउंट डिसेबल हो जाता है। क्या लिखता है? योर अकाउंट हैज बीन डिसेबल, ठीक उसके बाद। लेकिन अगर आपका अकाउंट डिसेबल लिखता है तो उसका भी वीडियो का लिंक हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, ठीक है ना, वो वीडियो आप जरूर देख लीजिएगा अगर आपका अकाउंट डिसेबल है। तो चलिए PC में आपको पूरे विस्तार के साथ बताते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको फेसबुक खोलना है फोन या PC में इस तरह से। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना ईमेल और पासवर्ड डाल के लॉगिन करना है। जैसे लॉगिन करेंगे तो आपको क्या दिखाई देगा, यहाँ पर देखिए एक मैसेज आ रहा है, यू कैन नॉट यूज फेसबुक एट द मोमेंट। यही मैसेज आपको भी आता होगा जब आप फोटो और आइडेंटिटी प्रूफ अपलोड करते होंगे तो, ठीक है। अब क्या करना है, बस इस पेज को खुला ही रखना है, लॉग आउट नहीं करना। न्यू विंडो पेज खोलना है। न्यू विंडो पेज खोलने के बाद यहाँ पर आपको फिर गूगल खोलना है। गूगल खोलने के बाद फिर आपको सर्च करना है रिपोर्ट एंड लॉगिन इशू। देखिए, रिपोर्ट एंड लॉगिन इशू आपको सर्च करके ये पहला वाला जो ऑप्शन, इसमें आपको क्लिक करना है। क्लिक करने पर देखिए यहाँ पर आपको क्या बोल रहा है कि डिस्क्रिप्शन ऑफ द इशू, मतलब यहाँ पर जो आपका समस्या, जो आपका प्रॉब्लम है, यहाँ पर आपको लिखने के लिए बोल रहे हैं। तो गाइस, आपको टैप करने की ज़रूरत नहीं है, मैंने टेस्ट पूरी तैयार करके रखी है। और एक चीज़ और आपको बता दूँ, ये जो है लिखा हुआ ना, यू कैन नॉट यूज़ फेसबुक एट द मोमेंट, इसके स्क्रीनशॉट आपको ले लेना, मैंने ऑलरेडी ले लिया है। उसके बाद यहाँ पर फिर क्या करना है, देखिए ये जो टेस्ट है ना, मैं आपको मिनिमाइज करके दिखा रहा हूँ। देखिए, ये टेस्ट आपको भरना है, मैं आपको समझा देता हूँ। ये टेस्ट आपको कॉपी कर लेना है। कॉपी कर लेने के बाद अगर आपका फेसबुक ID ईमेल से बना हुआ है तो ईमेल डालें, अगर नंबर से बना हुआ है तो नंबर डालें, ठीक है ना। तो चलिए हम यहाँ पर क्या करते हैं, मेरा तो ईमेल से बना हुआ, नंबर अभी हम हटा देते हैं, चलिए, ठीक है ना। उसके बाद हम इसको डायरेक्टली कॉपी कर लेते हैं। देखिए, मैंने कॉपी कर लिया। उसके बाद हम मिनिमाइज करेंगे
और हम क्या करेंगे, हम यहाँ इसको पेस्ट कर देंगे। देखिए इस तरह से पेस्ट कर दिया ना, इस तरह से। उसके बाद फिर आपको क्या करना है, यहाँ पर चूज ए फाइल में आपको वही स्क्रीनशॉट आपको देना है, ठीक है। तो चलिए स्क्रीनशॉट देते हैं, डेस्कटॉप में जाके कहाँ पर है दोस्तों, देखिए मैंने स्क्रीनशॉट यहाँ पर अपलोड कर दिया। अब आपको कुछ नहीं करना है, डायरेक्टली यहाँ पर सेंड के बटन में आपको क्लिक करना है। तो चलिए सेंड करते हैं, सेंड के बटन में क्लिक करने के बाद फिर आपको ओके कर देना है। ये हो गया पहला प्रोसेस। अब आपको दूसरा प्रोसेस क्या करना है मैं आपको बताता हूँ। दूसरा प्रोसेस ये है, फिर आपको इसको लॉग आउट कर देना है ना। लॉग आउट करने के बाद अब आपका अगर दूसरा फेसबुक अकाउंट है उससे हम लोग लॉगिन कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए दूसरे फेसबुक अकाउंट से हम लॉगिन होते हैं। पहले दोस्तों जैसा कि आप देख पा रहे, मैंने अपने दूसरे फेसबुक अकाउंट से लॉगिन कर लिया पूरी तरह से फेसबुक पर। अब आपको क्या करना है, देखिए मेन प्रोसेस यहाँ पर क्या करना है, फिर आपको न्यू विंडो पेज ओपन करना है। न्यू विंडो पेज ओपन करने के बाद यहाँ पर आपको सर्च करना है फेसबुक स्पेस कम्युनिटी, फेसबुक कम्युनिटी लिखकर आपको सर्च करना है डायरेक्ट गूगल पर। जैसे सर्च करेंगे ना दोस्तों, आपको फर्स्ट वाले ऑप्शन पर जाना है, ठीक है। देखिए ये फर्स्ट वाला ऑप्शन आ रहा है ना, आस्क ए क्वेश्चंस फेसबुक हेल्प कम्युनिटी। चलिए इसमें हम क्लिक करेंगे। जैसा कि आप देख पा रहे हैं दोस्तों, ये जो है ना फेसबुक का हेल्प कम्युनिटी है, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, यहाँ पर सबसे पहला जो हमें काम करना है वो यहाँ पर ये है, आस्क ए क्वेश्चंस में हम लोग क्लिक करेंगे। आस्क ए क्वेश्चंस में क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ आ रहा है, योर क्वेश्चंस, आपका क्वेश्चंस क्या है। तो हम यहाँ पर अपनी प्रॉब्लम बताएंगे, वही प्रॉब्लम जो शो कर रहा है, ठीक है। जब हम लोग लॉग इन करते अपने फेसबुक पर, तो क्या प्रॉब्लम है, यू कैन नॉट यूज फेसबुक एट द मोमेंट, ये शो करता है ना। उसके बाद हम क्या करेंगे, ऊपर देखिए चूज ए टॉपिक में हम लोग क्या करेंगे, अकाउंट सिक्योरिटी कर देंगे, और यहाँ पर ऑप्शनल है, इसको कुछ नहीं करेंगे। फिर हम लोग नेक्स्ट में क्लिक करेंगे। नेक्स्ट में क्लिक करने के बाद दोस्तों फिर आपको कुछ नहीं करना है, थोड़ा सा नीचे आना है। नीचे आने के बाद देखिए यहाँ पर माय क्वेश्चन इज न्यू लिखा हुआ, फिर इसमें आपको क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको वही टेस्ट जो मैंने आपको दिया है इसको आपको कॉपी पेस्ट कर देना है। देखिए इस तरह से कॉपी पेस्ट कर देना है ना। देखिए इस तरह से कॉपी पेस्ट कर देना है। उसके बाद जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आपको अपने अकाउंट का स्क्रीनशॉट भी लेना है, जो मैंने स्क्रीनशॉट था ना, ये स्क्रीनशॉट मैं आपको बता देता हूँ खोल के, ताकि आप किसी भी तरह का कन्फ्यूज ना हो। देखिए फिर आपको ये स्क्रीनशॉट देना है। चलिए ये भी स्क्रीनशॉट हम यहाँ पर अपलोड करते हैं, ठीक है। एकदम ये जेन्युइन तरीका मैं आप लोग को बता रहा हूँ। बहुत से लोग यूट्यूब पर गलत तरीका बताते हैं व्यूज पाने के लिए, सिर्फ पब्लिक स्टैंड है बस। देखिए मैंने PNG भी अपलोड कर दिया है, ठीक है। उसके बाद आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिंपली पोस्ट में क्लिक कर देना है। देखिए जैसे मैंने पोस्ट किया तो ये जो हमारा कंप्लेन है ये फेसबुक लोगों के पास पता चल गया। लेकिन दोस्तों एक बात का आपको ख्याल रखना है, ये जो प्रोसेस है ना ये 48 घंटा से लेकर 7 दिन तक वक्त लग सकता है। थोड़ा आपको पेशेंस रखना है, ठीक है ना, पेशेंस रखना है। एक चीज़ आपको और बता दूँ, जैसा मैंने आपको शुरू में कहा, अभी आपका यू कैन नॉट यूज फेसबुक एट द मोमेंट वाला ऑप्शन शो कर रहा है। फिर हो सकता है कि आगे फिर जब आप लॉग इन करें तो हो सकता है लिख दे योर अकाउंट हैज़ बीन डिसेबल। अगर योर अकाउंट हैज़ बीन डिसेबल वहाँ पर शो कर रहा है, ठीक है ना। तो मैंने ऑलरेडी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया है कि हाउ टू रिकवर डिसेबल फेसबुक अकाउंट, वो बहुत ही जेन्युइन तरीके से मैंने बताया है, उसको आप जरूर वॉच कर लीजिएगा अगर आपका अकाउंट डिसेबल हो गया है तो, ठीक है ना। तो ये प्रोसेस था दोस्तों, आप इसी तरह से इसको करो, ये बहुत लीगल तरीका है, जेन्युइन तरीका है, ठीक है ना। और इसको आप और ये करो, और उम्मीद करते कि आप इस प्रॉब्लम से छुटकारा पा लोगे। और वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को प्रेस कर लो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।